खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार कहा जाता है। इस कहावत के पीछे एक पौराणिक कथा है। उनका भव्य मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का मानना है कि बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और रनका को राजा भी बना सकते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे तो खाटू श्याम बाबा के भक्तों की गिनती नहीं है, लेकिन वैश्य मारवाड़ी जैसे व्यापारी वर्ग इनमें बड़ी संख्या में है। श्याम बाबा कौन थे, जानिए उनके जन्म और जीवन चरित्र के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट नॉलेज 97 पर। जानकारी पूरी जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। कौन है खाटू श्याम बाबा? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वो पांडुपुत्र भीम के पोते थे। एक कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अपने दिल की गहराई से उनके नाम का उच्चारण करते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, और अगर वे इसे सच्ची भक्ति के साथ करते हैं तो उनके संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरीक के बाल बब्बा सिंह के समान थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। महाभारत की एक कथा के अनुसार बर्बरीक का सिर राजस्थान राज्य के खाटू नगर में दफनाया गया था, इसलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खाटू श्याम की कथा। बर्बरीक बचपन में एक वीर और होनहार बालक था। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माता मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त की थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके वरदान के रूप में भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण बर्बरीक का नाम 3 बाणों के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को दिव्य धनुष प्रदान किया था, जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके। जब बर्बरीक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की जानकारी मिली तो उसने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। बर्बरीक ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और हारने वाले पक्ष का समर्थन करने का वचन देकर युद्ध छोड़ दिया। इसी वचन की वजह से हारे का सहारा बाबा श्याम मशहूर हो गए। बर्बरीक जब जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध करने जा रहा है। केवल 3 बाणों से कोई युद्ध कैसे कर सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उसका एक ही बाण शत्रु सेना को नष्ट करने में सक्षम है और उसके बाद भी बाण बिना नष्ट हुए उसके तरकश में वापस आ जाएगा। अतः यदि 3 बाणों का प्रयोग कर लिया जाए तो सारे संसार का नाश हो सकता है। एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए ब्राह्मण ने बर्बरीक को एक तीर से पेड़ की सभी पत्तियों को छेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान करके बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया और उसके बाद वह बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के चरणों में घूमने लगा। दरअसल कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता छिपा रखा था। बर्बरीक समझ गया कि बाण उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर में चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये तुम्हारे पैर को छेद देगा। बर्बरीक की वीरता से श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उसने पूछा कि बर्बरीक किस ओर से युद्ध करेगा। बर्बरीक ने कहा कि उसने लड़ने के लिए एक पक्ष तय कर लिया है, वह अपने वचन के अनुसार पराजित पक्ष की ओर से ही युद्ध करेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि कौरव बर्बरीक के इस वचन के बारे में जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वे कम सेना लेकर लड़ेंगे, इससे कौरवों की युद्ध में हार होगी, जिससे बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आएंगे। यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करता तो उसके चमत्कारी बाल पांडवों को नष्ट कर देते। कौरवों की योजना को विफल करने के लिए कृष्ण ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और बर्बरीक से दान देने का वादा किया। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनुपम दान की मांग सुनकर बर्बरीक अचंभित रह गया और समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वह वचन के अनुसार अपना सिर अवश्य दान करेगा, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने कहा कि हे भगवान, मैं अपना सिर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन मैं युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण बर्बरीक ने उसे उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया।
भगवान कृष्ण ने 14 देवियों द्वारा बर्बरीक के सिर को अमृत से छिड़का और युद्ध के मैदान के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सकता था। इसके बाद कृष्ण ने शास्त्रों के अनुसार बर्बरीक के शरीर का अंतिम संस्कार किया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। जीत के बाद पांडवों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस जीत का श्रेय किस योद्धा को दिया जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस योद्धा का साक्षी रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उससे ही जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय अकेले श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हो पाया था। जीत के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्प वर्षा की और उनका गुणगान करने लगे। वीर बर्बरीक की महानता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम महान हो। मेरे आशीर्वाद से आज से तुम मेरे श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम ये भी देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन के अनुसार हारे हुए लोगों का सहारा बनते हैं। इसलिए जो सारे संसार से पराजित और सताया हुआ है, यदि वो सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। खाटू श्याम मेला हर साल लगता है। खाटू श्याम जी का मेला हर साल होली के दौरान लगता है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हरे का सहारा, लगदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, ये सभी नाम हैं जिनसे उनके भक्त खाटू श्याम को पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ की जाने वाली मानव सेवा भी है। यहाँ बड़े से बड़े परिवार के लोग आम आदमी की तरह आते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को आशीर्वाद दिया और उसे रूपवती नदी में बहा दिया। एक बार कलयुग शुरू होने के बाद सिर को राजस्थान के खाटू गांव में दफन पाया गया, एक ऐसे स्थान पर जो कलयुग शुरू होने तक अनदेखा था। जब एक गाय शमशान घाट को पार कर रही थी कि उसके थनों से स्वतः ही दूध निकलने लगा। हैरान ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा और तब जाकर उसमें दबा हुआ सिर निकला। खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान ने एक सपना देखा था जिसमें उन्हें एक मंदिर के अंदर सिर स्थापित करने के लिए कहा गया था। ये तब था जब मंदिर का निर्माण किया गया था और उसके अंदर सिर स्थापित किया गया था। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। लेटेस्ट नॉलेज 97 जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट नॉलेज 97 को।